भाजपा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने द्वारा दिए गए बेतुके बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुस्लिमों के त्योहार बकरा ईद को लेकर बेतुका बयान दिया है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल कुर्बानी ना दे, और अगर कुर्बानी देनी ही है तो बकरों की नहीं अपने बच्चों की दे। इसके साथ ही उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, जिस तरह कोरोना को लेकर लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया और मस्जिद और मंदिरों में पूजा तक नहीं की, वैसे ही इस बार बकरी ईद पर कोई भी कुर्बानी ना दे, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। अभी ईद का भी त्योहार हमारे सामने है, तो इस श्रावण के पवित्र माह में, क्योंकि ये महादेव का माह है और श्रावण मास में ईद भी और ये सारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो मेरा लोनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्यौहार है, इस पर कुर्बानी ना करें। जिस तरह से लोगों ने लोनी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ऊपर वाले के महादेव की कृपा से लोनी में कोरोना को हमने हराया है, तो लोनी के लोग सुरक्षित हैं। उसी तरह से लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास्क से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। और शराब जो है बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल कम से कम करें, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चित्र को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज़ को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है, तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीही जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे, प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो इसलिए अपना अगला जन्म भी अच्छा हो, लोनी के लोगों से खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है। और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ एक भी कुर्बानी ना हो, शासन प्रशासन तय करें। मैं SDM से इस बात की कहूँगा और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने लगे हैं। हालांकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमेशा विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन मात्र चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देना विधायक को शोभा नहीं देता। अभी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाते हैं। पंजाब केसरी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।